देखिए 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद से माहौल न बिगड़े इसके लिए पैरा मिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। नूह में आज की सुबह की तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा दें, जहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, चप्पे चप्पे पर पैरा मिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो गश्त पर लगे हुए हैं। लेकिन 31 तारीख के बाद से जिस तरीके का माहौल था, जितना शोर शराबा, बवाल, हंगामा, आगजनी, तोड़फोड़ हुई, उसे देखते हुए पैरा मिलिट्री फोर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। दूर दूर तक आपको सन्नाटा पसरा दिखाई देगा, इक्का दुक्का गाड़ियां, लोग आपको चलते दिखाई देंगे। यहां शांति व्यवस्था बनी रहे इसी के लिए सब कुछ कैद कर दिया गया है। हरियाणा के रेवाड़ी में भी शरारती तत्वों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की है। रेवाड़ी के बवाल में दुकान और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की खबर मिली है। यहां कुछ नकाबपोश बदमाश रेस्टोरेंट में घुसते हैं, जमकर हंगामा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और इन्हीं की तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस दौरान हमलावर रेस्टोरेंट में दाखिल हुए, उस वक्त दो महिलाएं भी वहां मौजूद थी। जान बचाने के लिए रेस्टोरेंट के भीतर वो छुपती हैं। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर मौके से फरार हो चुके थे। ये जरा देखिए आप, ये वो अराजक तत्व हैं जो कुर्सी से तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। नकाबपोश है, चेहरा छिपा रखा है, सीसीटीवी में सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। दो महिलाएं इस रेस्टोरेंट में बैठी थी, वो जान बचाने के लिए छुपती छुपाती नजर आई, लेकिन इन लोगों ने किस तरीके से कुर्सियों को तोड़ना और फेंकना शुरू कर दिया, जरा देखिए आप। और दूसरी ओर हरियाणा के नूह हिंसा की आंच राजस्थान के भिवाड़ी तक पहुंच गई है। यहां भी कई दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी की खबरें आई हैं। अलवर की बात करें तो जिले में एहतियातन धारा 144 लगाई गई है। आने जाने वाले सभी व्हीकल पर पूरी नजर रखी जा रही है, तो अलवर तक इसका असर दिखाई दे रहा है। जितनी भी सीमाएं लगती हुई जगह है, लोकेशन है, वहां पर कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। हरियाणा से राजस्थान तक ये पूरा तनाव फैल चुका है। इसी के मद्देनजर अलवर में भी धारा 144 लगाई गई है। सीधा रुख करते हैं नूह का, हमारे सहयोगी वरुण जैन मौके पर मौजूद हैं, ग्राउंड की सिचुएशन दिखाएंगे, बताएंगे और कल रात से आज तक कितनी चीजें हुई, कंट्रोल में रही और क्या एक्शन प्लान है। इनपुट वरुण। देखिए बिल्कुल, पुलिस मामले की संवेदनशीलता को जानती है। जिस तरीके से नूह में जो हालात बेकाबू हुए थे, उसके बाद जो कई कंपनी पुलिस फोर्स की और आरएएफ की वो इलाके के अंदर तैनात की गई है। फिलहाल आप इस नज़ारा देखेंगे तो आपको यहाँ पर शांति नज़र आएगी, क्योंकि जो ट्रैफिक है वो वापस स्मूथली चल रहा है और जो सड़कें हैं उनको खोल दी गई है। लेकिन जगह जगह से आपको इस तरीके से पुलिस की डिप्लॉयमेंट बैरिकेड्स लगाकर भी आपको मिलेगी। तो जिस तरीके से अभी भी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो आज कई जगह पर प्रोटेस्ट का कॉल किया गया है, तो मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को पुलिस प्रशासन समझता है। और फिलहाल पूरे नूह के अंदर धारा 144 लगी हुई है, इंटरनेट की जो सेवाएं हैं उसको अभी बहाल नहीं किया गया है दोबारा से, और साथ ही कई कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की जगह जगह इलाके में तैनात की गई है, जो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और फ्लैग मार्च कर रही है। जी बिल्कुल वरुण, और जिस तरीके की तस्वीरें आई उसके बाद से अभी शांति दिखाई दे रही है, लेकिन इंटेलिजेंस भी अपना काम कर रहा होगा, अब चीजों की इन्वेस्टिगेशन भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होगी, इन तत्वों के बारे में भी पता लगाया जा रहा होगा, इसके मद्देनजर कोई जानकारी है आपके पास? देखिए बिल्कुल, कल जब हमारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात हुई थी, उनका कहना था कि अभी उनकी फिलहाल प्रायोरिटी इलाके के अंदर शांति को कायम करना है, लेकिन अब इस घटना को 48 घंटे के आसपास हो गए हैं। अब पुलिस की जो कई टीमें हैं वो अलग से बना दी गई है, जो उपद्रवी है उनकी पहचान करने में जुटे हैं। कई सीसीटीवी फुटेजेस, कई जो वीडियोज हैं जिसके अंदर जो उपद्रवी उपद्रव करते हुए नजर आए हैं, पुलिस अब उन वीडियोज के जरिए उन चेहरों को वेरीफाई करने में जुटी हुई है जो इस उपद्रव के अंदर शामिल थे, जो आगजनी कर रहे थे, जो पथराव कर रहे थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का ये भी कहना है कि जल्द ही इन सब की गिरफ्तारी होगी और उसके बाद इस बात की भी जांच होगी कि आखिरकार ये पूरी घटना कैसे हुई, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अचानक से इस जलाभिषेक यात्रा पर ये पथराव हुआ और बाद में देखा गया कि मंदिर को पहाड़ी के ऊपर से घेर कर लगातार मंदिर में जो लोग फंसे हुए थे उनको गोलियां चलाई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये लगता है कि इसके पीछे बड़ी साजिश भी हो सकती है। तो अभी
एफआईआर है, 70 लोगों की गिरफ्तारी है और ये सिलसिला आगे आज कितना बढ़ेगा और कितने नंबर्स में चेंजेस आएंगे, ये सारी चीजें देखने लायक रहेंगी, इस पर नजर बनी रहेगी। वरुण, फिलहाल इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आपका शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।